नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रतापगढ़ से है। कौशाम्बी में अमित शाह की जनसभा और शाह संग राजा भैया भी मंच साझा कर सकते हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया का खासा प्रभाव माना जाता है और माना जा रहा है कि आज अमित शाह की जब जनसभा होगी तो मंच साझा कर सकते हैं राजा भैया। तो चुनावी प्रचार लगातार जारी है। स्टार प्रचारक अलग अलग इलाकों में जाकर अपने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रतापगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम अमित शाह का बताया जा रहा है, जहां स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और खबर मिल रही है कि अमित शाह के साथ आज राजा भैया मंच साझा कर सकते हैं। प्रतापगढ़ वो इलाका जहां राजा भैया का खासा प्रभाव माना जाता है, उनकी टूटी बोलती है, और ऐसे में सारी तैयारियां जनसभा को लेकर कर ली गई हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए तुषार श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, अमित शाह की आज कौशाम्बी में जनसभा होनी है और राजा भैया भी उनके साथ मंच साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दिव्या, कौशाम्बी के प्रतापगढ़ में जो विधानसभा आती है वहां पर ये जनसभा होनी है। बाबागंज विधानसभा है जो की कौशाम्बी लोकसभा में आती है, और यहाँ पर आज अमित शाह का जनसभा है जिसमें राजा भैया भी इसमें मंच साझा कर सकते हैं। आपको बताऊं तो कुछ ही दिन पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से राजा भैया ने मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों लोगों में आपसी बातचीत हुई, और आपसी बातचीत के बाद अब मंच साझा करेंगे अमित शाह के साथ राजा भैया। हालांकि आपको बताऊं तो राजा भैया का आसपास के तमाम जिलों में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। कौशाम्बी हो, प्रतापगढ़ हो, प्रयागराज हो, इन सब जिलों में उनकी अच्छे खासे दबदबा है, और यही वजह है कि राजा भैया के मंच साझा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थिति और इन जिलों में मजबूत होती हुई दिख रही है। आपको बताऊं तो कौशाम्बी से विनोद सोनकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं। ऐसे में जो दो विधानसभा है, बाबागंज और कुंडा, ये प्रतापगढ़ में आती है, और इन दोनों विधानसभाओं में राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव है। राजा भैया यहाँ से लगातार काफी वर्षों से विधायक भी रहे हैं, तो ऐसे में इन दोनों जगहों से राजा भैया का मंच साझा करके लोगों को संबोधित करने पर बिल्कुल एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश रहेगी, ताकि वोटर्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ सके। तुषार, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास अगली खबर पर।